चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे थोड़ी देर के समय व्यतीत करता हूँ, यहाँ पे बैठता हूँ और इनके परफॉर्मेंस को देखता हूँ। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत वापस से मेरी इस नए ब्लॉग में। और जैसा कि पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि मैं आपको लेके जा रहा हूँ ड्रैगन बोट फेस्टिवल के इवेंट को कवर करने के लिए, वो एक्चुअली आज ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था हांगझो में, बट चीन में बहुत सारे सिटीज़ में ये इवेंट होता रहता। और आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ दूसरे सिटी में और वहाँ पर कल मैं आपको दिखाऊँगा ये इवेंट। तो मैं अभी हांगझो से ट्रेन ले रहा हूँ और ये है हांगझो ईस्ट रेलवे स्टेशन और ये यहाँ के कुछ नज़ारे, और फिर मैं कल आपको लेके चलता हूँ वांगझो, वहाँ से आपको दिखाऊँगा ड्रैगन बोट फेस्टिवल के वहाँ का जो इवेंट है तो उसको मैं कवर करूँगा। तो ये यहाँ रेलवे स्टेशन के कुछ नज़ारे, और ये मेरी ट्रेन आ गई और इसी ट्रेन में हम बोर्ड करेंगे। और ये हमारी इसकी ट्रेन, यहाँ से वांगझो की दूरी हम तय करेंगे 1 घंटे 30 मिनट में। और ये है चाइना की हाई स्पीड ट्रेन। मेरा कोच है वो आगे 2 नंबर है, तो हम 2 नंबर की तरफ चलेंगे। भीड़ थोड़ी सी अधिक है क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जाहिर सी बात है कि हॉलीडे चल रहा है, ड्रैगन बोट फेस्टिवल, छुट्टियों में लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए, ये है 2 नंबर और मैंने 2 नंबर में ही बोर्ड करना। तो चलिए दोस्तों, मैं बोर्ड करके तो इधर के बाद फिर आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड लाइक से सब्सक्राइब। अगर मैं बोर्ड कर गया हूँ और ये कुछ ट्रेन के नज़ारे, और ये है मैं 2B पे बैठा और ट्रेन चल रही है। तो ये ट्रेन के नज़ारे और मैं 1 घंटे 30 मिनट में पहुँचाऊँगा अपने डेस्टिनेशन, और कल सुबह आपको लेके चलता हूँ ड्रैगन बोट फेस्टिवल के इवेंट को कवर करने में। तो तब तक बने रहिए और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और दोस्तों, ये देखिए 177 किलोमीटर पर आवर की गति अभी, और ये जाती है 200 किलोमीटर के ऊपर। तो दोस्तों, बारिश की वजह से जो ड्रैगन बोट फेस्टिवल का जो इवेंट है वो अब नहीं हो पा रहा है। चलिए, बारिश रुकने के बाद मैं आपको कुछ और इवेंट के लेके चलता हूँ या फिर कुछ एक्टिविटी के लिए लेके चलता हूँ। बहुत तेज बारिश की वजह से इधर कुछ पानी भी ऊपर तक आ रखा है। और दोस्तों, ये हैं कुछ अभी के नज़ारे।
अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, और चूंकि दिन भर बारिश हुई है इस वजह से लाइट थोड़ी सी कम। और जैसा मैंने बोला था वादे के मुताबिक, मैं आपको कहीं और लेके चलता हूँ। और आज अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, और मैं आपको लेके चल रहा हूँ हॉन्जो में इंडियन रेस्टोरेंट, और देखें कैसा रहता है और कैसा माहौल है वहाँ का। तो बने रहिए, पहुँच के फिर से वापस शुरू करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इंडियन रेस्टोरेंट्स इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री में हो वो थोड़ा सा महंगा होता ही है। और इसी सीरीज़ में मैंने आपको निम्बो में एक इंडियन रेस्टोरेंट्स का उनका बिज़नेस दिखाया था, उनका प्राइस पॉइंट दिखाया था। तो आज हॉन्जो में हम जा रहे हैं और देखते हैं यहाँ पे यहाँ का माहौल कैसा है और दाल मखनी का क्या प्राइस है। तो बने रहिए और मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी मैं रेस्टोरेंट के काफ़ी नज़दीक आ पहुँचा, और ये लोकेशन के पास में ये बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा देखने को मिला जिसको मैं कैप्चर करने लगा। ये वाकई खूबसूरत है। आपका क्या ख्याल है, प्लीज़ टाइप करिए, कमेंट में बताएं। और दोस्तों, ये है कुछ गली का नज़ारा, और यहाँ पे ये है चक दे इंडियन रेस्टोरेंट। और बारिश की वजह से बिल्कुल सब कुछ, सड़कें गलियाँ गीली गीली। और ये है चक दे इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर का कुछ नज़ारा, सिटिंग एरिया। चलिए कुछ ऑर्डर कर ले। और ये आ गया मेरे घर बूंदी रायता, गार्लिक नान, और साथ में है कढ़ाई चिकन। तो अगर फर्स्ट इम्प्रेशन की बात करें तो नंबर वन, क्लीनलीनेस में थोड़ी सी कमी थी, और खाने की क्वालिटी वो आपने अभी देखा ही है। तो खाने की क्वालिटी भी थोड़ी सी कम, और मैं इसको एवरेज में रखूँगा या फिर बिलो एवरेज। और रेस्टोरेंट के सेटिंग एरिया में अंदर की तरफ से लाइट थोड़ी सी कम थी, जो कि मेरा ऐसा मानना है कि खाने पीने की जगह पे या रेस्टोरेंट में लाइट की मात्रा अधिकता में होनी चाहिए और थोड़ी सी वाइब्रेंस होनी चाहिए। बट एनीवे, तो गाइस, जैसा आपको मालूम है कि मैं अभी चीन के हॉन्जो सिटी में रह रहा हूँ, और हॉन्जो काफ़ी बड़ा है, और मैं हॉन्जो के पिंजांग डिस्ट्रिक्ट में हूँ, और मैं आजकल काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स को एक्सप्लोर भी कर रहा हूँ। और पाइदू चीन में काफ़ी फेमस है, और पाइदू मैप के थ्रू मैं डिफरेंट रेस्टोरेंट्स को एक्सप्लोर करता रहता हूँ। तो ये रेस्टोरेंट मेरे जगह जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से काफ़ी दूर था, और मुझे ऑलमोस्ट अराउंड 40 मिनट्स मेट्रो ट्रेन में लगे, और उसके बाद फिर मैंने एज यूजुअल साइकिल चलाया अराउंड 10 मिनट, और तब जाके पहुँचा यहाँ पे। और पर मेरा आज का एक्सप्लोरेशन मुझे लगता है कि उतना बढ़िया नहीं था, बट ठीक है, चलिए खाने को कंप्लीट करें और फिर मैं आगे की वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कीप वॉचिंग, और भाई का थोड़ा भला हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, मौसम बिल्कुल गीला गीला, और खाने के बाद थोड़ा टहल लूँ, और ये कुछ यहाँ के नज़ारे। और ये पास में ही लग गया एक छोटा सा स्ट्रीट, कर लेते थोड़ी सी रेटिंग की। थोड़ा डार्क है यहाँ पे। अगर क्लीनलीनेस की बात करें तो मेरे ख्याल से उतना साफ सफाई मेंटेन नहीं किया हुआ था, और इनिशली अगर लाइट की बात करें तो लाइट की कमी तो थी, और
थोड़ा सा डार्क डार्क जैसा भी था, और अगर टेस्ट की बात करें तो टेस्ट एवरेज या बिलो एवरेज भी कह सकते हैं, और स्टाफ बहुत कम थे, इनफैक्ट गेस्ट भी बहुत कम थे, तो ओवरऑल ठीक ठाक। बट अगर आउट ऑफ 10 में से रेटिंग देनी हो तो मुझे लगता है कि मैं इसको 4.5 आउट ऑफ 10। तो ये था चक दे रेस्टोरेंट हॉन्जो सिटी में चीन के। तो बहरहाल मैं वापस आ चुका हूँ स्ट्रीट पे, और मैं अभी मैंने साइकिल नहीं लिया है, मैं वॉक कर रहा हूँ मेट्रो ट्रेन स्टेशन तक। मौसम बहुत मज़ेदार और वॉकिंग करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट मौसम है, और ये फ्लाईओवर मेरे को थोड़ा सा पुराने टाइप का लग रहा है, और बगल से कुछ संगीत की आवाज आ रही है। चले नीचे चल के देखते हैं। ये म्यूज़िक की आवाज़ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा बहुत कुछ ओपेरा जैसा, जो लोकल ओपेरा चाइनीज़ का होता है। तो चलिए चल के देखते हैं। आवाज़ तो इधर से ही आ रही है। तो यहाँ से आवाज़ आ रही थी। और ये बहुत खूबसूरत नज़ारा है, बहुत खूबसूरत व्यू अगर आप यहाँ से देखें फ्लाईओवर के नीचे, और ज़बरदस्त लेक साइड, बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ेदार, ब्यूटीफुल। ये सारा बिल्कुल ट्रेडिशनल चाइनीज़ पुराने आर्किटेक्चर की तरह। मैं जूम करके दिखाता हूँ। हाँ, अब वो देखें जो आर्किटेक्ट बना हुआ है उस पर जो कार्विंग करी हुई है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल चाइनीज़ पुराने टाइम की। बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत, उमदा। और यहाँ पे जो परफॉर्मर हैं वो सैक्सोफोन पे दोबारा से परफॉर्मेंस शुरू करते हुए, तो चलिए शूट करते हैं इनको। मैं थोड़ी देर यहाँ पे समय व्यतीत करता हूँ और मज़े लेता हूँ, बिकॉज़ ये खाना खाने के बाद मुझे लगता है कि ये काबिल तारीफ़ है, और वाकई में बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग। यहाँ पे इनके ये इंस्ट्रूमेंट, मैं यहाँ पे थोड़ी देर के समय व्यतीत करता हूँ, यहाँ पे बैठता हूँ और इनके परफॉर्मेंस को देखता हूँ। अब ये सारे परफॉर्मर वापस से सब कुछ पैक करके अपने सैक्सोफोन को अब ये शायद जाने लग रहे हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं और इस वीडियो को करते हैं यहीं पे विराम। तो ये था सारा कुछ आज के ब्लॉग में, और वाकई में आखिर में जो सैक्सोफोन का जो ट्यून था उसने वाकई में मज़ा आ गया सुन के, और आशा करता हूँ आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। दोस्तों ये देखें दुकानों के बाहर ये रेड लैम्प इस टाइप का, ये आपको ऑलमोस्ट हर जगह पे मिल जाएगा जो छोटे छोटे एरियाज में है, थोड़ा कंट्री साइड जैसा लुक। और यहाँ आगे एक मंदिर भी है, उसके भी नज़ारे दिखाता हूँ।
और दोस्तों ये एक बड़ा मज़ेदार सा कॉम्बिनेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इस तरफ देखें, ये बड़ी सी बिल्डिंग बिल्कुल कमर्शियल लग रही है, और इसके बिल्कुल दूसरी तरफ अगर आप इधर देखेंगे तो ये बिल्कुल ट्रेडिशनल टेम्पल टाइप और यू नो कंट्री साइड का लुक देती हुई। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं। बहुत खूबसूरत, जी हाँ, ये मंदिर ही है और बहुत बहुत खूबसूरत और हल्की रोशनी में जगमगाता सा, बहुत मज़ेदार। तो बहरहाल मैं बिल्कुल आगे तक तो नहीं चलूँगा क्योंकि अब थोड़ा टाइम भी हो गया, खाना खाने के बाद चल भी लिया और काफ़ी लेट हो रहा है और कल काम पे भी जाना है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे विराम और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक टिल दैट टाइम कीप शाइनिंग एंड स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय। Yeah.